就地放发现行为。हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं टाउन हॉल कैसे अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं टाउन हॉल 8 और 9 से पुश करता हूँ। और मैंने बहुत बार बोला भी था कि मैं आईडी मतलब जो टाउन हॉल है मैं अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो लेकिन अभी वैसे मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़, मतलब ये वीडियो जो भी देख रहा है मुझे कमेंट करना है, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ मेरे से रिलेटेड सवाल, ठीक है? तो वैसे अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मतलब ये जो मेरा टाउन हॉल है, मैं TH9 से अभी मतलब खेलता हूँ, 8 और 9 से आपको भी पता है। तो वो मैं मतलब टाउन हॉल 10 तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं ये अपग्रेड जो है वो एक्चुअली मैं टाउन हॉल 10 पर नहीं जाने वाला हूँ। तो ये मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ये मतलब क्यों मतलब ऐसा किया है मैंने। अभी मैं वैसे मतलब ना आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास मतलब आप भी इतना टाइम से पुशिंग कर रहे हो, सॉरी मतलब मेरे पुशिंग के वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो एक्चुअली अभी मैं पुशिंग से तो थोड़ा तंग आ चुका हूँ, मतलब थोड़ा बोर हो चुका हूँ। तो अभी मैं थोड़ा फार्मिंग करने वाला हूँ। तो वैसे मैं टाउन हॉल 8 और 9 तो बहुत खेल लिया, चलो ठीक है अभी थोड़ा ऊपर जाया जाए। तो वैसे अभी मेरे पास मतलब टाउन हॉल 10 की तो एक आईडी थी फ्रेंड की, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो शायद से खेलने वाला है। तो इसके लिए मेरे पास एक आईडी है जो टाउन हॉल 11 है, न्यू TH11 है। तो मैं आपको ठीक है सीधा उस आईडी में लेके चलता हूँ। तो चलते अभी सीधा उस आईडी में, आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़े। मैंने यहाँ से जस्ट अभी मेरे एक फ्रेंड से लिया है वो आईडी। तो ये रहा जिसका आईडी का नाम है सेमिल। तो मैं मतलब आगे और अटैक्स वगैरह स्ट्रैटेजीज वगैरह सीखना चाहता हूँ जो बाकी सब करते हैं, ठीक है? तो मतलब टाउन हॉल 10 और 11 पे होते, तो ये देख सकते हो यहाँ पर गाइस, ये न्यू टाउन हॉल 11 है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पर खेलूँ और इसको फार्मिंग करूँ और मैं स्ट्रैटेजीज सीखूँ। वैसे मतलब ना एक डायरेक्ट एक टाउन हॉल स्कीप करना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगा, खेलूँगा मतलब पूरा गेम, मतलब पूरा TH10 का सब समझूंगा, फिर उसके बाद में मतलब इसमें अपग्रेड्स वगैरह चालू कर दूंगा। फिलहाल लूट अटैक्स वगैरह ये वो एंड ऑल मुझे ही पता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलते सीधा यहाँ पे, मैंने क्लान में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर हम अटैक वगैरह करते हैं यार, थोड़ा एक अटैक में कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं TH10 11 का। तो अब पता नहीं कि मेरे से क्या होने वाला है, CC में मैं क्या यूज़ करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी मेरा किंग डाउन है, तो मतलब अपग्रेड पर है। यहाँ पे प्रोफाइल आप पहले देख लो यार, मैंने प्रोफाइल नहीं दिखाई। तो ये सबसे बेस्ट है यार, एकदम बहुत सही है। और 6000 जेम्स भी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, इसमें से वीडियोस भी डाल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरे पास टाउन हॉल 8 है, 9 है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत पुशिंग तो हो जाएगी। तो मतलब नॉर्मल बेसिक्स पुशिंग के भी वीडियोस और अपग्रेड्स के भी। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ क्या? सीधा टाउन हॉल 10 पर सीधा मैं जा रहा हूँ, तो मुझे आप लोग थोड़ा टिप्स बताना TH10 के बारे में। मैंने जो स्किप किया है वो जो जर्नी होती है टाउन हॉल 9 से 10 तक, सीधा 10 से 11 में आया हूँ, इसलिए मुझे टाउन हॉल 10 के बारे में थोड़ा मुझे आप बताना। अगर आप मतलब उस अगर आप खेले हो तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर खेले ही रहोगे, क्योंकि ज़्यादातर टाउन हॉल 9 पर रहना सबको तो नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऊपर टाउन हॉल 11 से खेलने वाला हूँ। तो CC में हम लोग लेते हैं बॉलर्स, लेते हैं बॉलर्स, पॉइजन यूज़ करते हैं। मेरे को पता नहीं आ रही कॉम्बिनेशन में क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड वार्डन भी यार इसके पास, मैंने जब इसकी आईडी देखी यार बहुत एकदम खुश हो गया यार एकदम से। तो वैसे मेरा फ्रेंड है सेमिल जिसका नाम है, इसने थोड़ा फेवर किया है। अगर किसी को नेटफ्लिक्स का जो अकाउंट है अगर वो चाहिए, उसको किसी को चाहिए 4 स्क्रीन्स में ऐसा कुछ वो बोला था, 150 रुपीज़ में वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? तो वेट करते कि यहाँ से आई एम सूरज वेट कोई किक ना कर दे, पहले मैं क्लान में बता दूँ। तो ठीक है, वैसे एक अटैक तो मेरे को करना ही है, पता नहीं अभी कैसे करने वाला हूँ। हीलर्स है और ये गॉबलिन्स है यार, तो अपने को कोई बेस ऐसा सर्च करना चाहिए जिस पर मैं अटैक कर पाऊँ, ठीक है? तो वेट करते हैं गाइस कि कोई मेरे को यहाँ पर ट्रूप्स दे दे और मैं चलूँ फटाक से अटैक्स पर, ठीक है? तो बॉलर्स के लिए वेट करते हैं। सूरज से तो नहीं पहचान रहा, ठीक है मैं किंग सूरज डाल देता हूँ नाम, तब शायद पहचाने। चलो अब फाइनली गाइस बॉलर्स अपने को मिल चुके हैं, एक और मिलना बाकी है। चलो शायद से ठीक है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते सीधा अटैक पर। तो अभी मेरे को कोई ऐसा बेस सर्च करना है जिस पर मैं दो, मेरे पास आर्मी में पहले चेक कर लूँ, दो जंप स्पेल हैं, दो रेज और 5 हीलर्स और जायंट्स है अपने पास। तो कोई लूट जिस पर ज़्यादा मिले अच्छी
उस पर ये देखो, ओ माय गॉड, ये वाला टाउन हॉल 12 है, लेकिन ये जो है वो डेड बेस है और बहुत अच्छी खासी लूट है। तो गाइस आप मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब पहली बार शायद से ऐसा देख रहे हो कि मैं लूट के लिए अटैक कर रहा हूँ। तो क्वीन वॉल तो मेरे को मतलब इतना तो नहीं आता। चलो ठीक है, ये वाला बेस जो है ये डेड है, तो इस पर अपने को ट्राई करने के लिए कुछ नहीं जाने वाला अपना, तो कहाँ से करें हम लोग ट्राई, ठीक है ये नहीं समझ रहा। चलो नीचे से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट क्वीन वॉल। मुझे मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, मैं बहुत मतलब 9 पर ही किया हुआ अटैक्स ज़्यादातर, इसलिए सीरियसली मेरे को कुछ आता नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो अब पता नहीं मेरे से क्या होने वाला है यहाँ पर। ये फटाक से देखते हैं वॉल ब्रेकर्स। अरे दो ही वॉल ब्रेकर्स से काम शायद से हो जाता था, दो ने तोड़ा या फिर एक, हाँ शायद से मैंने चार डाल दी। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ये देखो क्वीन गई, क्वीन गई। तो मैं पहले जब करता था अटैक क्वीन वॉल, तो पहले क्या होता था कि जैसे क्वीन मेरी मर जाती थी और मैं हील रेड स्पेल बहुत लेट डाल देता था, और मेरे पास ग्रैंड वार्डन भी है, वो मुझे आता ही नहीं कैसे यूज़ करना है। ठीक है जायंट्स अभी डाल दूँ क्या मैं यहीं से, या फिर कहाँ से डाल दूँ, मेरे को नहीं समझ रहा। शायद से मेरे को ऊपर से डालना चाहिए और सीधा मैं लूट के ले जाऊँगा यहाँ पर। यहाँ से ही बॉलर्स, एक जायंट मेरा रह गया। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर एक और, अरे यार ये तो शायद से गलत हो रहा है क्या अटैक मेरा, कोई अंदर ही नहीं जा रहा। चलो फाइनली यहाँ पर अंदर तो आ चुके हैं। क्वीन 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 डाउन, क्वीन डाउन, क्वीन डाउन। यार ये बहुत घटिया अटैक कर रहा हूँ यार, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को मैं कर क्या रहा हूँ। जायंट्स भी शायद से मरने वाले हैं, एक ही जायंट बचा हुआ। ओ माय गॉड शिट, क्या चल क्या रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है देखते हैं अपने को एंड में कितनी लूट मिलने वाली है। मैं यहाँ पे सारे गॉबलिन स्पैम कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये गॉबलिन से कैसे अंदर घुस रहे यार। ग्रैंड वार्डन तो मैंने डाल ही दिया है। लूट 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 चाहिए ना अपने को। चलो 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 लूट के लिए अपन करते हैं। यार ये किंग क्वीन तो अपनी मर ही नहीं रही यार, ये इतना मस्त मस्त एकदम। ठीक है अपन ट्राई करते कि अपने को कितना लूट मिल सके। यहाँ पर है यार, क्या करूँ। ठीक है यहाँ पर सीधा गॉबलिन्स घुसा देता हूँ अंदर, ताकि अपन लूट कलेक्ट कर पाए। और मिनियंस भी है, तो ये रहा मिनियंस, मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलो मैं सब कुछ यूज़ करने वाला हूँ। ये गए मेरे दोनों पॉइजन स्पेल। ग्रैंड वार्डन क्या कर रहा है यार इतना पीछे, मेरे को ये नहीं पता कि यार ग्रैंड वार्डन जब ट्रूप साथ में रहते हैं तो वो धीरे धीरे शायद से आगे बढ़ता है। मेरे को गाइस आप लोग थोड़ा ये वीडियो जज करके आपको ज़रूर कमेंट करना है, मैंने अटैक में क्या गलती की और मेरे को क्या सीखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अटैक तो गाइस हो चुका है, क्वीन अभी भी ज़िंदा है, 29-28 सेकेंड्स बचे हुए। तो मेरे को यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि मेरे को और लूट मिल पाएगी, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट तो सारी ले ली है गाइस। तो ये तो पहला अटैक था, तो गाइस होता है ऐसा। तो ये देखो यहाँ पर मुझे यार 6.5-6 लाख की लूट ऑलमोस्ट तो मिली है, 4,500 डार्क एलिक्सर और बोनस भी मिला है। तो चलो यार बहुत सही था यार, मतलब जैसे देखा जाए पहला अटैक तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ऊपर नीचे हम लोग तो। अरे बैटल ब्लिम्प यार, ये भी ले सकते यार, मैं तो ये भूल ही चुका था सीरियसली। एक्चुअली अभी बहुत कुछ सीखना है मेरे को, अभी देखते कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो गाइस, कमेंट करो जो आपकी राय है। ठीक है और नोटिफिकेशन बेल आइकन वो भी प्रेस कर देना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और बाय बाय गाइस।